अब राजस्थान में भी अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पुलिस विभाग, जेल प्रहरी, वन रक्षक भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा। इसे लेकर सैनिक कल्याण विभाग ने गृह विभाग को प्रस्ताव भी भेज दिया है। अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं। आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। राजस्थान सरकार अग्निवीरों को बड़ी सौगात देने जा रही है। सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणा करते हुए अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। सरकार प्रदेश में अग्निवीरों को पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण देगी। सीएम भजनलाल ने कहा, कारगिल दिवस के रजत जयंती के अवसर पर मैं उन सभी शहीदों को नमन करता हूँ। मातृभूमि के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। हमारी राजस्थान की सरकार ने भी उन सभी को पुलिस विभाग में, जेल प्रहरी के रूप में, वन रक्षक के रूप में, राजस्थान की सरकार ने उनको आरक्षण का प्रावधान रखा है। 26 जुलाई को राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात और छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अग्निवीरों को राज्य सरकार की भर्ती में आरक्षण देने की घोषणा की है। 2 साल पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ में अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की थी। वहीं हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का फैसला पहले कर चुकी है। उत्तराखंड सरकार भी 22 जुलाई को ही अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इस तरह अब तक 8 राज्य अग्निवीरों को लेकर ऐलान कर चुके हैं। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में, इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे, उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे। आज कारगिल दिवस के अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की भावना के अनुसार निर्णय करती है कि हमारे यहाँ विविध प्रकार की पुलिस और सशस्त्र बलों की भर्ती में अग्निवीर जवानों को आरक्षण का लाभ देगी। अग्निवीर जवान की योजना सच्चे अर्थों में सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ योग्य सैनिकों की भर्ती के अलावा वैश्विक स्तर पर सेना को युवा बनाने की योजना है। छत्तीसगढ़ में जितने भी अग्निवीर हैं उनके सेवा के पश्चात छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी इत्यादि पदों पर प्राथमिकता के आधार पर समावेशित करने की सुविधा देगी। इस उद्देश्य हेतु एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हेतु विस्तृत दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ की सरकार शीघ्र जारी करने जा रही है। सरकार ने 2022 में लॉन्च की अग्निवीर स्कीम। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना जरूरी है, साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अग्निवीरों को उनकी कार्य क्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाएंगे।
अग्निवीरों की भर्ती को लेकर केंद्र सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव चल रहा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इसे बंद करने की मांग की है। वहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार में इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से अलग अलग राज्यों में सरकारें अग्निवीरों को आरक्षण देने का काम कर रही है, उससे साफ है कि केंद्र सरकार अग्निवीर स्कीम के अपने फैसले पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, राजस्थान। हनुमानगढ़ से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और प्रदीप गोदारा को जेल भेजा गया है जंक्शन पुलिस। कल दोनों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से हासिल किया था यह प्रोटेक्शन वारंट। दिसंबर 2022 में फायरिंग मामले में दोनों गिरफ्तार किए गए हैं। जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर यह फायरिंग हुई थी। ऋतिक बॉक्सर पर हनुमानगढ़ में कई मामले दर्ज हैं। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ की आपको बता रहे हैं। गैंगस्टर ऋतिक बॉक्सर और प्रदीप गोदारा को जेल भेजा गया है। जंक्शन पुलिस कल ही दोनों को प्रोटेक्शन वारंट पर लाई थी और अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल से प्रोटेक्शन वारंट हासिल किया और उसको हासिल करने के बाद अब आज उनको हनुमानगढ़ जेल में लेकर आई है। दोनों ही बदमाशों को, दोनों ही गैंगस्टर्स को दिसंबर 2022 में फायरिंग के मामले में दोनों गिरफ्तार किए गए थे। जंक्शन के व्यापारी इंद्र हिसारिया के प्रतिष्ठान पर फायरिंग हुई थी। ऋतिक बॉक्सर पर हनुमानगढ़ में कई मामले दर्ज हैं।